है। देखिए एटीएम जो होता है इसका पूरा नाम होता है ऑटोमेटेड टेलर मशीन। इसकी खोज 1967 में इंग्लैंड में की गई थी, लेकिन खोजकर्ता का नाम था जॉन सेफर्ड बॉरेन। इनका जन्म 1925 में भारत के मेघालय राज्य के शिलोंग में इनका जन्म हुआ था। तो इनके खोजकर्ता अगर इनका देखेंगे तो ये भारतीय थे। आज एटीएम का बहुत ज़्यादा यूज हो गया। अब इस एटीएम कार्ड में दो टाइप के बेसिकली कार्ड देखने को मिलता है, डेबिट कार्ड। डेबिट कार्ड क्या होता है? देखिए ये हमारे पैसा खुद के बैंक में जमा पैसे को निकालने का एक रास्ता होता है। कार्ड और किसी भी टाइप की एटीएम में तो पैसा नहीं होता, हमारे अकाउंट में रहता है, अकाउंट में ख़त्म, एटीएम किसी काम का नहीं रहता। पहले ज़माने में क्या था कि पैसा निकालने के लिए आपको बैंक में जाना पड़ता था, वहाँ विड्रॉल फॉर्म कर बना भर के दीजिए तो बैंक देगा, या फिर आप चेक साइन करके दीजिए किसी भी बैंक में तो आपको पैसा दे देता था। इस सिस्टम की एक अच्छाई थी कि यह सिक्योर रहता था, हैक वगैरह नहीं होता था, लेकिन इसकी सबसे बड़ी खराबी थी ये तभी काम करेगा जब बैंक खुला रहता था, और इसमें प्रोसीड करने में काफ़ी लंबा टाइम लगता था, चेक से तो काफ़ी लंबा टाइम हो जाता था। और संडे के दिन ऑफिशियली बैंक बंद रहते हैं, छुट्टियों के दिन, त्यौहार के दिन, रात के टाइम पे, तो आप इसे 24 घंटे नहीं बैंक पैसा निकाल सकते थे। तो इसी के लिए एटीएम काम आया। एटीएम के लिए क्या है कि आपको बैंक में नहीं जाना पड़ेगा। अब एक बैंक को सेटअप करने में काफ़ी खर्च आते हैं, उसकी बिल्डिंग्स, उसका पावर बैकअप, उसके स्टाफ मैनेजमेंट, काफ़ी खर्च आता है, जबकि एटीएम बैठाने में कुछ नहीं जाता है। एक ब्रांच जितने में बैठ जाता है उतने में 50 एटीएम लग जाएगा और पैसा सेम निकलेगा जितना बैंक देगा वहाँ पे। तो इससे एक काफ़ी अच्छा सिस्टम काम करने लगा यहाँ पर। इसे इस बैंक जो हमें एटीएम कार्ड देती है उस पर डेबिट कार्ड लिखती है, तो डेबिट कार्ड हमारे पैसे निकालने का एक बहुत सुपर फास्ट माध्यम हो गया। ये दिन रात पैसे निकाल सकते हैं, इससे 24 घंटा और सातों दिन निकाल सकते हैं, 365 दिन आप इससे पैसे निकाल सकते हैं। तो ये काफ़ी अच्छा फायदा हो गया। इसमें भी हम उतना ही पैसे निकाल सकते हैं जितने अपने अकाउंट में, अब आपके अकाउंट में 2 लाख रुपए आप सोचेंगे 2.5 लाख निकालने, नहीं निकालने का, क्योंकि भैया ये केवल आपके अकाउंट के पैसे निकालने का रास्ता है। इसलिए आप देखेंगे जब भी आप एक बैंक में खुलवाते होंगे खाता, आपको एटीएम कार्ड दिखता है और उस पर डेबिट ही देता है, वो क्रेडिट कार्ड आपको नहीं देता है। क्रेडिट कार्ड लेने के लिए कुछ आपको टर्म्स एंड कंडीशन होते हैं, उसको फुलफिल करेंगे तभी मिलता है। डेबिट कार्ड ज़्यादा सिक्योर माना जाता है क्रेडिट कार्ड की तुलना में, क्योंकि डेबिट कार्ड पे आप देखेंगे कई सिक्योरिटी होती है। 16 अक्षर का तो पहले इसका आपका एटीएम कार्ड नंबर होता है, फिर उस पर एक्सपायरी डेट ये पता होना चाहिए, पीछे जो होता है कार्ड वेरीफिकेशन वैल्यू यानी CVV नंबर, एक स्टिकर साट के उस पर 3 अक्षर लिखा रहता है। ये सिक्योरिटी लेवल जो होते हैं उतने मजबूत नहीं होते, क्योंकि अगर आपका एटीएम कार्ड सड़क पे गिर गया तो जो माय मिलेगा उसको ये तीनों सिक्योरिटी तो पता ही चल गया, एटीएम नंबर, एक्सपायरी डेट, CVV नंबर। लेकिन जब वो पैसा निकालने जाएगा तो उसको पिन की ज़रूरत होगी जो आपको मेमोराइज करके रखना पड़ता है, याद करके, तो आप ही को पता है। तो पिन जब तक नहीं डालेंगे पैसा नहीं निकलेगा। लोग पैसा निकालने के बाद ना इंडिया में क्या करते हैं लोग ना, वो कैंसिल बटन वहाँ पैसा निकाल लेंगे, देखेंगे कोई नहीं देख रहा ना, खट 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 कैंसिल बटन वहाँ डालेंगे 20 बार संतुष्टि के लिए, आप कोई नहीं निकाल सकता। भाई वो एटीएम मशीन केवल एक ही बार काम करती है, एक पासवर्ड डाले तो आप ही का एटीएम क्यों ना हो, वो दोबारा आप फिर पैसे निकालेंगे तो पासवर्ड मांगेगा ही मांगेगा, तो इसके लिए कोई डरने की बात नहीं होती है। अब देखिए मान के चलिए वो इंसान आपका एटीएम मिल गया, उसको एटीएम में जाके कहता है कि भैया वो पिन को सोचता है चेंज कर दे, मतलब फॉरगेट पिन करके वो चेंज करना चाहेगा, तो फिर उसके लिए भी रास्ता है कि जो आप अपने बैंक में मोबाइल नंबर दिए होंगे उसी मोबाइल पर वन टाइम पासवर्ड यानी OTP आएगा, वो 10 मिनट में एक्सपायर हो जाता है, OTP सिंगल टाइम के लिए होता है। तो इसमें काफ़ी सिक्योरिटी होती है, विदाउट आपके परमिशन इसे नहीं ले सकता है। लेकिन क्रेडिट कार्ड में सिक्योरिटी थोड़ी सी मतलब कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती है। अब हम क्रेडिट कार्ड को समझते हैं। क्रेडिट कार्ड क्या चीज़ है? पहले के ज़माने में हमें लोन लेने के लिए अपने रिश्तेदार या फिर ऊंचे दाम पर जो ब्याज पे देते हैं लोग, महीने का 5% 10% वहाँ से लेना होता है, जबकि बैंक काफ़ी सस्ता लोन देती है। अब अपने गांव में लीजिएगा 5% हर महीने ले लेगा, साल भर में सुधर 12% और जैसे बैंक में जाइएगा तो 10 से 12% वो साल भर का लेती है। तो बैंक का लोन काफ़ी सस्ता होता है, लेकिन लेने में बहुत झमेला होता है, 15 से 20 दिन लग जाएगा। अब आपको 50,000 रुपये की ज़रूरत है, एक हफ्ते में आपको ज़रूरत है, तो आपको एक हफ्ते बैंक में मैनेजर का चक्कर काटने में लग जाएगा, फिर वो कहेगा मॉर्गेज दो, इसके बदले में कुछ सिक्योरिटी रखो, गहना रखो, या फिर मान के चले जमीन, गाड़ी, या सब बड़ी सब तामझाम होता है, 15-20 दिन लगा देता है, और उसके बाद से घूस घास लेना पड़ता है। तो इसी सब को सुलझाने के लिए एक ऐसा फास्ट फॉर्मूला निकाला गया कि हचाक से आपको क्या मिल जाए, लोन मिल जाए, कर्जा। तो हचाक से लोन देने वाले कार्ड को कहते हैं क्रेडिट कार्ड। इसमें आपका पैसा नहीं है, याद रखिएगा, ये पैसा लौटाना पड़ेगा। तो जो बैंक से जाके मांगते थे ना, अब वो आपको क्रेडिट कार्ड में मिल जाएगा। तो ये क्रेडिट कार्ड सबको नहीं मिलता है, जिस ग्राहकों पर बैंक को बिलीव होता है कि ये मेरा पैसा लौटा देगा तो उसको वो क्रेडिट कार्ड देती है। अब उस क्रेडिट कार्ड से वो जब चाहे
रात दिन 24 घंटा जब चाहे वो लोन निकाल सकता है वहाँ पर। लेकिन इसमें भी लोन की लिमिट होती है, शुरुआत में कम लिमिट दिया जाता है 25,000 का, धीरे धीरे उसको 50,000, 1,00,000, 2,00,000 ऐसे करते करते 3,00,000 तक के आपको लिमिट को क्रेडिट कार्ड में दे दिया जाता है। तो आप बिना बैंक में गए, बिना अपने रिश्तेदार से मांगे, बिना किसी को ब्याज दिए हुए आप घचाक से पैसा निकाल सकते हैं क्रेडिट कार्ड की मदद से। और 30 से 40 दिन तक आपको इस पर एक भी रुपये ब्याज नहीं देने पड़ते हैं। अब ये डिपेंड करता है अलग अलग बैंकों के रूल पर कि वो 30 दिन दे रही है 40 दिन, पैसे के अमाउंट पर भी डिपेंड करता है ज़्यादा पैसा है या कम पैसा है, मतलब ओवरऑल 30 से 40 दिन रहता है। कितना अच्छा है, मान के चलिए हमें 50,000 की इमरजेंसी में ज़रूरत पड़ी, बैंक से लोन लेने जाएंगे, इस तरह ब्याज लेगा हमको, अपने रिश्तेदार से मांगेंगे तो एहसान थोप देगा हमको, साहूकार से मांगेंगे तो 5% का ब्याज मांग देगा। उससे अच्छा अगर मेरे पास क्रेडिट कार्ड है, धड़ाक से निकाल, मान के चलिए किसी को हॉस्पिटल में दिखाना था, 50,000 की ज़रूरत थी हमको इमरजेंसी इलाज के लिए, डॉक्टर साहब को उसी क्रेडिट कार्ड से बिल पेमेंट कर देंगे, 40 दिन बाद हम बैंक को दे देंगे, बैंक भी हमसे ब्याज नहीं लेगी। तो ये काफ़ी अच्छा होता है क्रेडिट कार्ड। अब क्रेडिट कार्ड की भी कुछ अच्छाई है और कुछ खराबी होती है, ये आपको जानबूझ के दिया जाता है आपकी आदत बिगाड़ने के लिए। गाइज, आपको यह मैसअप रिएक्शन का वीडियो कैसा लगा, अपने थॉट को नीचे वीडियो के कॉमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।